अब खबर भिवानी से। पहली अप्रैल से तेल गैस सहित तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिसको लेकर पूरे देश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दें कि कल भिवानी में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जो नए नियम लागू हुए हैं बजट के, उसकी वजह से कुछ घरेलू सामान और दवाइयां महंगी हुई हैं। कल से मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही, जिसको लेकर शुक्रवार को भिवानी में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। पिछले दिनों में जैसे ही इलेक्शन का दौर आता है, तब ये महंगाई को ठीक तरीके से रखते हैं। जिनसे इलेक्शन खत्म हो जाता है, वोट हासिल कर लेते हैं, तो का सीधा असर ये हमारी रसोई के ऊपर सीधा असर है। हम मांग करते हैं कि सिलेंडर के जितने भी गैस जो बधाए दाम है, वो तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं। और तेल, पेट्रोल, डीजल के जो लगातार 80 पैसे के हिसाब से, कभी 90 पैसे के हिसाब से बढ़ रहा है, अब 100 से पार गया पेट्रोल डीजल। हम मांग करते हैं कि जनता के ऊपर इस तरह का जो बोझ है वो ना डाला जाए। और अब बहादुरगढ़ से एक अच्छी खबर है। सीएनजी गाड़ी जो रखते हैं, यानी सीएनजी गाड़ी के जो धार, राहत भरी खबर ये है कि अब दिल्ली के बाद बहादुरगढ़ यानी एनसीआर इलाके में बहादुरगढ़ में भी एक सीएनजी पंप शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली से ये थोड़ा महंगा आपको जरूर पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि 24 घंटे यहाँ पर सीएनजी आपको उपलब्ध मिलेगी। तो एक तरह से सीएनजी गाड़ी जो धारक हैं उनके लिए एक बहुत राहत की खबर है। बहादुरगढ़ के बीच से गुजरने वाले दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर सीएनजी का ये ऑनलाइन पंप शुरू हुआ है। जाखुदा गांव के पास ओम फिलिंग स्टेशन पर हरियाणा सिटी गैस कंपनी की ओर से ऑनलाइन सीएनजी पंप लगाया गया है। ये बहादुरगढ़ का पहला ऑनलाइन सीएनजी पंप है। यहाँ 24 घंटे दिल्ली के तर्ज पर वाहन चालकों की सीएनजी उनको मिलेगी। इससे पहले बहादुरगढ़ के वाहन चालक दिल्ली जाकर अपने वाहनों में सीएनजी गैस डलवाते थे। हालांकि यहाँ अब भी वाहन चालकों को दिल्ली के मुकाबले करीब 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी महंगी मिलेगी। दिल्ली में सीएनजी गैस का रेट करीब 60 रुपए है, तो वहीं बहादुरगढ़ में 75 रुपए 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी गैस दी जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का दिल्ली आने जाने का समय बचेगा और जाम में फंसने से भी लोगों को निजात मिलेगी, और आने जाने का जो सीएनजी का खर्चा है उससे भी कहीं न कहीं कटौती होगी। टिकरी बोर्डर जाते थे, वहाँ टाइम लगता था, 1 घंटा वेस्ट होता था। हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट, अब नियर अबाउट यहीं से लेंगे और इजीली हो गया, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम इन सी। दिल्ली के और हरियाणा के रेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हाँ, डिफरेंस तो है, लेकिन वहाँ टाइम वेस्ट होता है दिल्ली में, 1 घंटा आने जाने में, जाओ बंद स्ट्रीट रहता है। गुड़िया पे गए तो वहाँ भीड़ थी, अब यहाँ कल वाले यहाँ छीड़ है। ये पंप ऑनलाइन हो गया, फ़ायदा होगा इससे कोई? फ़ायदा 5 रुपये बढ़ा दिए, सुबह 70 था, आप 75 कर दिया। रेट का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली में कितने रुपये? दिल्ली में 60 हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, महंगा हो गया। सस्ता होना चाहिए हरियाणा में भी। हरियाणा 12 रुपये महंगा रहा था, अब इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे, ओम फिलिंग स्टेशन पे, हरियाणा सिटी गैस के जॉइंट वेंचर के तले हरियाणा सिटी गैस ने सीएनजी ऑनलाइन का ऑप्शन स्टार्ट किया है, जो कि 24 आवर्स ऑनलाइन रहेगी और 200 बार का प्रेशर पूरा रहेगा। और हमारे यहाँ आज के दिन जो रेट है 75 रुपये 90 पैसे है, और प्रेशर पूरा रहेगा, कस्टमर को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब खबर रोहतक जिले के शामली गांव से, जहां पर हत्याओं के सिलसिले में जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 16 साल पहले हुई हत्या का ये मामला है। कुल 4 हत्याएं हुई थी, जिसमें एसटीएफ स्टाफ ने 3 हत्या आरोपी सगे भाइयों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। 2009 में अदालत ने इन तीनों भाइयों को भगौड़ा करार दिया था और हरियाणा पुलिस पर इन पर 25,000 रुपए का उनकी ओर से इनाम भी घोषित किया गया था। 2006 में शिमली गांव में ठंडीराम, प्रेम, राजेश और काला नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप गांव के ही रहने वाले 3 सगे भाई धर्मपाल, बहादुर सिंह और सतपाल पर लगा था। लेकिन ये तीनों घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे और उन्हें 2009 में भगौड़ा घोषित कर इनाम की घोषणा जो है वो की गई थी। शुक्रवार को पुलिस के एसटीएफ स्टाफ ने इन तीनों को 16 साल बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। ये एक 2006 का मर्डर केस था गांव सिमली का,
जो हमारे पास एक्यूज्ड हैं, एक धर्मपाल है, बहादुर सिंह है, सतपाल है, इन्होंने 2006 में गांव में ही पारिवारिक रंजिश में 4 लोगों की हत्या कर दी थी। तो और ये लगभग 16 साल से फरार चल रहे थे। घटना के बाद से अब तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आए थे। 16 साल से ये अलग अलग इलाकों में, राजस्थान में रहे हैं, कहीं मजदूरी की है, कहीं खेती बाड़ी की है, कहीं अभी रिसेंटली MP में ये कोई डेयरी वगैरह पशुपालन वगैरह करके गुजारा कर रहे थे। हत्या में आर्म्स इस्तेमाल किए थे। ये पहले CRPF में थे और वेल शूटर रहे हैं। हथियारों के बारे में अच्छी जानकारी रही है और वो गोली मार के हत्या की गई थी। तीनों ये सगे भाई हैं। तो किन लोगों इसमें गांव में ही पारिवारिक रंजिश थी।